हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पुरुषों के झड़ते बालों की समस्या के बारे में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोई ऐसी दवा जिससे आपके सिर के बालों की झड़ने की समस्या बहुत कम हो सकती है। दोस्तों, व्यक्ति को निखरने में बालों का बहुत बड़ा योगदान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मेडी प्लस हेल्थ। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहले पहुंच सके। हमारे चैनल पर आपको हर एक नई मेडिसिन के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विटामिन ई का ऑयल, जिसको आपको सिर पर मसाज करने से आपके सिर पे बालों के झड़ने की समस्या बहुत कम हो सकती है। भाइयों, आज बात आती है इसे यूज़ करने की, इसे कैसे यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, एक चम्मच नारियल के ऑयल का और एक चम्मच विटामिन ई ऑयल का किसी बर्तन में मिक्स कर लें और बाद में धीरे धीरे हमें अपने बालों में मसाज करनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको विटामिन ई का ऑयल नहीं मिलता तो आप कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। कैप्सूल आपको कितने उसमें डालने हैं, 3 कैप्सूल हमें निचोड़ कर उसमें डालने हैं। वैसे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रखूँगा, वो आप कैप्सूल या ऑयल आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस तेल और की मालिश कम से कम हमको रात को करनी चाहिए और रात को करने पर 1 घंटा मालिश करे रखें और बाद में हमें किसी शैम्पू या साबुन से धो लेना चाहिए, जिससे आपके बालों की ग्रोथ बढ़ जाएगी और टूटने की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। दोस्तों, ये ट्रिक कम से कम आपको 1 महीना करनी होगी। दोस्तों, ये कैप्सूल और ऑयल आपकी स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये क्या काम करता है हमारी स्किन पर जब हमारे फेस पर पिंपल हो जाते हैं तो इसके लिए विटामिन ई ऑयल या कैप्सूल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो वो पुरानी वीडियो देख ले, जहाँ पर हमने बताया हुआ है टेस्टोस्टेरोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन क्या काम आता है और इसके क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों, PCT कैसे की जाती है, इसलिए वो हमारी पुरानी वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन पर हमारे सब लिंक दिए हुए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। जिन जिन लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी वो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को मोटिवेट दें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।